So welcome student to this new lecture, and now let us do some numerical problems related to our DC motors, right? So हम DC motor में numerical करेंगे. तो पहला numerical मैंने यहाँ लिखा हुआ है, if you see, it is a four pole 250 volt wave connected shunt motor gives 10 kilowatt when running at 1000 rpm and drawing armature and field current of 60 ampere and 1 ampere respectively. It has 560 conductors. Its armature resistance is 0.2 ohm. Assuming a drop of 1 volt per brush, determine क्या क्या निकालना हमने, total torque, useful flux per pole, rotational losses and efficiency. So my first work is to draw a diagram. Now since this is a shunt motor, so I will draw a shunt motor here like this. Shunt means इसकी field winding होगी like this. And it will take power from this side like this. So यहाँ पे कहता है कि armature current IA कितना है, ये से इट इज 60, armature current 60, और field current कहता है 1 ampere है. इसका मतलब हमारा जो load से current आ रहा है वो कितना है, 61. Fine. Now ये voltage जो है आपकी, ये 250 है. So ये 250 volt यहाँ से आपकी वोल्टेज आ रही है, ठीक है. और क्या देखा है, आर ए दे रखा है इसने, आर ए इज योर 0.2 ओम, और फील्ड की रेजिस्टेंस शी हैज नॉट गिवन. फील्ड की रेजिस्टेंस ने नहीं दे रखी है, क्योंकि फील्ड की रेजिस्टेंस हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें इसने ऑलरेडी करंट दे के रखा हुआ है, राइट. सो वन बाय वन लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट. सो सिंस दिस इज मोटर, और सबसे पहले हमने निकालना है टॉर्क. सो हमें पता है कि मोटर का जो टॉर्क रिलेशन है वो होता है ई आई, जो है इलेक्ट्रिकल पावर, जो टॉर्क है दैट इज इक्वल टू टी ओमेगा. इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर, राइट. सो नाउ फॉर मोटर व्हाट इज ई. सो ई मींस, ई का रिलेशन क्या था, वी माइनस आई ए आर ए ड्रॉप हो रहा है, प्लस इसमें ब्रश पे भी ड्रॉप हो रहा है, इसीलिए माइनस ब्रश ड्रॉप. सो इफ यू पुट ऑल दिस वैल्यूज, व्हाट इज वी, यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है, इट इज 250 माइनस आई ए, इसने दे रखा है 60 इंटू ये 0.2, और ब्रश ड्रॉप जो है एक वोल्ट है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट ब्रश का ड्रॉप आ जाएगा. सो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 236. सो हमने यहाँ से ई निकाल ली, राइट. सो जब मैंने ई निकाली तो टोटल टॉर्क कितना आ जाएगा मेरा, नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन इट इज 1 फ्रॉम 1 ई आई इज इक्वल टू टी ओमेगा. ई आई मीन्स ई आई ए, ये आर्मेचर करंट है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है. यहां से E हमने निकाल ली 236, तो यहां से T क्या आ जाएगा, E I A अपॉन ओमेगा. सो लेट अस पुट द वैल्यूज. E हमने निकाल ली थी 236 वोल्ट प्लस, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई आई ए विच इज 60 ओम, सो 60 एम्पियर अपॉन व्हाट इज ओमेगा. ओमेगा इज 2 पाई एन अपॉन 60, 2 पाई एन अपॉन 60 मीन्स 60 को ऊपर ले गया मैं. इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 236 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू व्हाट इज एन, 1000 आरपीएम. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 135.22 न्यूटन मीटर जो है आपकी टॉर्क की. तो दिस इज योर टोटल टॉर्क, ओके. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ओके. ये टोटल टॉर्क हो गया. अब नाउ ही इज आस्किंग यूजफुल टॉर्क. यूजफुल टॉर्क वो टॉर्क होता है जो आपका शाफ्ट पे आएगा, शाफ्ट पे जो टॉर्क होता है, क्योंकि वो आपका टोटल टॉर्क जो है उसमें से कुछ हमारे वेस्टेज हो जाएंगे, तो हमारा जो यूजफुल टॉर्क है वो बेसिकली शाफ्ट टॉर्क होता है. सो शाफ्ट टॉर्क मतलब शाफ्ट पे जो टॉर्क होगा आपका, टी एस एच, ये आपने निकालना है, ओके. सो नाउ यू सी व्हाट इज
पावर आउटपुट, मतलब पी मैकेनिकल की दे कितनी रखी है इसने, कितनी आउटपुट दे रहा है ये, सॉरी नॉट पी मैकेनिकल इज गिविंग पी आउटपुट जो है, मैकेनिकल नहीं है इलेक्ट्रिकल है, सो इट इज पी आउटपुट जो इतनी है 10 किलोवाट की है, 10 किलोवाट मीन्स 10 × 10⁻³ वाट, ये है ना। 4 पोल वेव कनेक्शन मोटर गिव्स 10 किलोवाट, ठीक है, सो 10 किलोवाट आपकी पावर आउटपुट है। पावर आउटपुट है क्या आपकी, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू टी ओमेगा, राइट, टी ओमेगा इज मैकेनिकल पावर, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, सो इलेक्ट्रिकल पावर इसने दे दी, सो यहां से आप, और ये जो टी होगा आपका ये शाफ्ट टॉर्क होगा, सो टी टी शाफ्ट इंटू ओमेगा विल बी इक्वल टू 10 × 10⁻³, सो यू कैन सॉल्व व्हाट इज टी एस एच, इट विल बी इक्वल टू 10 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई ओमेगा, 60 ओमेगा का ऊपर चला गया, 60 × 10 × 10⁻³ और नीचे 2 × π, सो इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट 95.49 न्यूटन मीटर। सो अब क्लियर हो गया आपको यूजफुल टॉर्क और टोटल टॉर्क में फर्क, ठीक है, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन यूजफुल टॉर्क, शाफ्ट का टॉर्क हो जो शाफ्ट के ऊपर टॉर्क आएगा वो आपका यूजफुल टॉर्क होता है, शाफ्ट टॉर्क को यूजफुल टॉर्क बोलते हैं, ठीक है, और जो टोटल टॉर्क है वो आपका नेट टॉर्क है, मतलब उसमें से आप जो है वो हमारा लॉस नहीं हो रहा है। सो वी हैव कैलकुलेटेड टोटल टॉर्क, वी हैव कैलकुलेटेड यूजफुल टॉर्क, नाउ कम्स यूजफुल फ्लक्स पर पोल। अब ये जो यूजफुल फ्लक्स पर पोल है ये हमें पता है कौन से फार्मूले से आएगा, सी हमें कभी भी हम न्यूमेरिकल करें तो हमें ये देख लेना चाहिए उसने हमें दिया क्या क्या, ही हैज गिवन यू कंडक्टर्स, ही हैज गिवन यू इट इज वेव कनेक्टेड, राइट, इट इज 4 पोल, सो हमें कहीं ना कहीं ये पता लग जाना चाहिए कि हमें ई इज इक्वल टू पी फाई एन जेड अपॉन 60 ए फार्मूला यूज होगा, और यहाँ से जो फ्लक्स है दिस इज फ्लक्स, यूजफुल फ्लक्स पर पोल, ठीक है, नाउ यू नो एवरीथिंग, यहाँ सारी वैल्यू आपको दे रखी है इसने, सो ई इंटू 60 इंटू सिंस इट इज वेव बाउंड सो इट इज 2, ठीक है, यहाँ आ गया, और इधर से क्या क्या आ जाएगा, पी मल्टीप्लाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई जेड, दिस विल बी इक्वल टू फ्लक्स पर पोल, सो यू पुट द वैल्यूज, ठीक है, ये सारी वैल्यूज पुट कर लो, ई इज 236 × 60 × 2, पोल 4 है, एन 1000 है, जेड कितने हैं आपके 560 है, और इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट 0.0126 वेपर फ्लक्स यूनिट्स, ओके सिंपल यहां तक, ठीक है, तो हमने निकाल लिया। नाउ रोटेशनल लॉसेस, अब आपको पता है कि ये जो रोटेशनल लॉसेस हैं ये अगर आप पावर डेवलप निकाल लें, ठीक है, और टोटल पावर आपको पता हो, हमें टोटल पावर पता है, हमें अगर हम पावर डेवलप निकाल लें इसका मतलब पावर डेवलप इतनी हुई उसका रोटेशनल लॉसेस हुआ, और जो बाकी पावर मिली वो आपको टोटल पावर मिली, ठीक है, ऐसी निकलेगी, हमें जो पावर यहाँ पे डेवलप हो रही है वो हमेशा ज़्यादा होगी, और हमें जो बाहर पावर मिलेगी वो कम होगी, क्योंकि हमें पावर डेवलप हुई उसके बाद रोटेशनल लॉसेस हो गए तब जाके हमें बाहर पावर मिली, राइट, सो दैट मीन्स हमें अब निकालनी पड़ेगी कि टोटल पावर कितनी है और पावर डेवलप्ड कितनी है, ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल में, हम देखते हैं आर्मेचर का इनपुट है कितना, इफ यू सी आर्मेचर इनपुट इट इज नथिंग बट इट इज वी इंटू आई ए, तो ये कितना होगा 250 × 60, राइट, सो ये कितना हो गया आपका 1500 वाट, नाउ दिस इज पावर बेसिकली, ठीक है, अब आर्मेचर में कॉपर लॉस कितने हो गए, आई ए स्क्वेयर आ रहे, आई ए 60 का स्क्वेयर, आर ए 0.2, सो इसको भी सॉल्व कर लो, सो ये 720 वाट आ गया, ठीक है, तीसरा लॉस कहाँ हो रहा है, ब्रशेस पे, ब्रश में भी लॉस होगा, सो ब्रशेस पे
प्लस कॉन्टैक्ट लॉस हो रहा है, प्लस इस पे जो देखो लॉस और ड्रॉप में फर्क होता है, ड्रॉप इज वोल्टेज एंड लॉस इज पावर। सो पावर मीन्स जो ब्रश पे ड्रॉप हो रहा है विच इज 2 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय करंट, करंट इज 60, तो ये कितना हो गया 120 वाट, ये भी आ गया राइट। सो अब देखो पावर डेवलप्ड क्या होगी, पावर डेवलप्ड जो आएगी पावर डेवलप जो हुई आपकी, आपको इनपुट कितना है वी इंटू आई ए माइनस इसमें आई ए स्क्वेयर आर ए लॉस हो गया, इसमें बाकी आपका ब्रश में ड्रॉप का वोल्टेज ब्रश इंटू आई ए आपका ब्रश पे ड्रॉप हो गया ठीक है। तो ये आपका आ गया आपके पावर डेप्ट आ गई, ये कितनी हुई आपकी वी इंटू आई ए इज 1500 माइनस 720 माइनस 120, दिस इज 14 15 15,000 है ये, दिस इज 14,160 वाट, ये आपका आ गया पावर डेप्ट ठीक है। सो टोटल पावर में जब रोटेशनल लॉसेस आ जाएंगे टोटल पावर में रोटेशनल लॉस को ऐड कर दूं तो वो आपकी पावर डेप्ट होती है, यह एक ही बात है, पावर डेप्ट में से रोटेशनल लॉसेस माइनस कर दो ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका रोटेशनल लॉसेस क्या आ गए, पावर डेवलप्ड 14,160 माइनस टोटल पावर, और टोटल पावर कितनी थी 10 किलोवाट, 10,000 वाट ठीक है। तो ये टोटल आ गया आपकी 4160 वाट, ये आपके आ गए रोटेशनल लॉसेस। क्लियर हो गया कैसे निकले, आपने टोटल पावर देखी, टोटल पावर में से लॉसेस निकाली, वो आपकी पावर डेवलप हो गई, पावर डेवलप टोटल पावर में से आप पावर डेवलप कैसे निकाल सकते हैं, पावर डेवलपमेंट से रोटेशन लॉस माइनस कर लो तो आपके टोटल पावर रोटेशन ऐड कर लो तो आपके आ जाती है पावर डेवलप्ड। ओके नाउ कम टू लास्ट एंड दैट इज एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी वी नो व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट। सो अगर आउटपुट आपकी नहीं दी होती तो इनपुट आउटपुट प्लस लॉसेस अपॉन आउटपुट होती है या इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट होती है मोटर की ठीक है। तो यहाँ तो इसने मोटर आउटपुट दे रखा है 10 किलोवाट का, तो 10 × 10^3 और इनपुट जो है वो है वी इंटू, हमने निकाला हुआ है आपका वी इंटू इनपुट कितना आएगा आपका वी इंटू आई, सो दिस इज 10 × 10^3 और वी आपका 250 है और आई जो है आपका दिस इज टोटल लॉस भी 61 नॉट 60, इसको सॉल्व कर लो इट विल बी 65.57%, सो दिस विल बी योर एफिशिएंसी राइट। सो इस क्वेश्चन में हमने काफ़ी कंपोनेंट कवर किए, आपने यहाँ पी रोटेशन लॉसेस भी निकाले, आपने यहाँ पावर डेवलपमेंट निकाले, यहाँ जो यूजफुल फ्लक्स भी निकाला राइट। सो दिस आई टुक दिस क्वेश्चन बिकॉज इट वॉज कवरिंग मेनी कंपोनेंट्स ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक अनदर न्यूमेरिकल फाइन, थैंक यू।